आज का जो टॉपिक है वो है चीप हेयर ट्रांसप्लांट और वर्सेस क्वालिटी हेयर ट्रांसप्लांट। मैं हमेशा इस बात के ऊपर स्ट्रेस करता रहा हूँ, जैसे बाकी लीडिंग डॉक्टर्स करते होंगे और उनको करना भी चाहिए, कि चीप हेयर ट्रांसप्लांट इज नथिंग टू मी, नो वर्ड टू मी इवन। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी चीप हेयर ट्रांसप्लांट हो नहीं सकता, बिकॉज जब हम उसकी बैकग्राउंड देखते हैं तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी ऑन हेयर ट्रांसप्लांट। कैसे, जब साइंटिफिकली आप देखते हैं तो साइंस कहती है आपका बाल आपको लग रहा है ऑटोलॉगस ग्राफ्टिंग है, उसके अंदर आप देखें कि 100 में से 100 निकल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, बट थिंग इज यू हैव टू फुलफिल दीज 3-4 थिंग्स। आपको 3-4 काम पूरे करने पड़ेंगे, जब आप 3-4 काम पूरे करते हैं उसके ऊपर स्पेंडिंग होती है। जैसे मैं कहता हूँ मेरे हेयर ट्रांसप्लांट पे मोर देन 50,000 हम स्पेंड करते हैं। हाउ कैन वी डू हेयर ट्रांसप्लांट लाइक एट 400 डॉलर या लाइक 40,000-50,000 और उसमें हम कर सकते हैं। मैं ये हैरान होता हूँ कि लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं। फिर बाद में क्या होता है, यू आर सफरिंग विद कॉम्प्लिकेशंस और हम उसको ठीक करते 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 लगे रहते हैं और वो ठीक नहीं होती है। तो आप इस बात के ऊपर, एक ही बात के ऊपर स्ट्रेस किया करें हमेशा, हेयर ट्रांसप्लांट में जाए तो आप कहें मुझे क्वालिटी हेयर ट्रांसप्लांट चाहिए। फिर आप कॉस्ट के ऊपर आर्गुमेंट कर सकते हैं, आप के डॉक्टर के साथ ये आर्गुमेंट कर सकते हैं कि आप उतने पैसे ले लें जितने मतलब आपको भी सूट करते हैं और डॉक्टर को भी सूट करते हैं, वो आपके लिए क्वालिटी प्रोड्यूस कर सके।